हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ का बताइए। शहजाद, जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी आपको? नहीं, बस मैं प्रेजेंटेशन अपलोड कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाती है फिर इंशाल्लाह। भेज दो। अच्छा जी, बाकी स्टूडेंट्स से कहें कि ज्वाइन कर लें जल्दी से, ताकि मैं फिर इसको स्टार्ट करूं। जी क्लास जी, आवाज़ वगैरह ठीक है? चलें हम आगे।
अच्छा जी, तो हम थे एथिकल कमेटीज, एथिक्स कमेटीज एंड कंसल्टेशन सर्विसेज के ऊपर। तो अभी 10 स्टूडेंट्स हैं, अभी थोड़े और ज्वाइन कर लें फिर हम करते हैं जी, आगे चलते हैं। प्लीज क्लास के ग्रुप में कहें कि जल्दी से ज्वाइन करें यार, मतलब जी जल्दी से प्लीज। जी जी अजान होती है अभी, फिर नमाज ब्रेक देते हैं अभी, जल्दी से उनको कहें ज्वाइन करें, हम आगे तो चलें थोड़ा सा। चले जी, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सो एथिक्स कमेटी और कंसल्टेशन सर्विसेज। सो एथिक्स कमेटीज और कंसल्टेशन सर्विसेज आज से 2-3 साल पहले जाएं तो हॉस्पिटल में नहीं होती थी, अब हर हॉस्पिटल में, हर सेटअप के अंदर एथिकल कमेटीज और एथिकल कंसल्टेशन सर्विसेज डेवलप कर दी गई हैं। बकाया बायोएथिक्स के एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने हायर किए हैं। अब शालामार की हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे बकायदा एक बायोएथिक्स डिपार्टमेंट अलैदा से है। ठीक है जी, तो बेसिकली एथिक्स कमेटी क्या करती है, एथिक्स कमेटी जो हैं और बायोएथिकल कंसल्टेशंस जो हैं, ये बेसिकली एथिकल डिलीमास को सॉल्व करती हैं। अगर आईसीयू में आपके किसी पेशेंट के ऊपर एथिकल डिलीमास आ रहे हैं तो उनको कॉल भेजी जाती है, वो आते हैं और आके उस एथिकल डिलीमा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एथिकल कमेटीज का ये काम होता है कि अगर कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह आ जाता है आपके हॉस्पिटल के अंदर के पेशेंट्स पे, ये रिसर्च करनी है, उसकी परमिशंस देना और उसको एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर परखना, ये सारे के सारे जो है ना एथिकल कमेटीज के काम होते हैं। सो मेनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैव एन एथिकल कमेटी और एन एथिकल कंसल्टेशन सर्विसेज। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी अब ये सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई हैं। एथिकल कमेटीज आर यूजली मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस पेशेंट केयर प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन्स। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, हमारे यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं इसमें, बट इंटरनेशनल लेवल पे उनके नर्सिंग मेम्बर्स भी होते हैं, मेडिसिन के मेम्बर्स भी होते हैं, प्रोफेशन जैसे सोशल वर्कर्स के मेम्बर भी होते हैं, स्पिरिचुअल केयर के भी वर्कर उसके अंदर मेम्बर्स होते हैं कमेटी के। कमेटी मेंबर्स में आल्सो कंसल्ट एट द बेड साइड प्रोवाइडिंग एजुकेशन क्लेरिफिकेशन और डायलॉग नेसेसरी टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग इन रिजॉल्विंग एथिकल प्रॉब्लम्स। तो वही मैंने आपको बात बताई कि जब कोई एथिकल डिलीमा आ जाता है तो फिर इन कमेटीज को बुलाया जाता है और ये डिसाइड करती हैं। सो नेक्स्ट नेक्स्ट सो मॉडल ऑफ एथिकल डिक्लेरेशन डिसीजन मेकिंग। एक एथिकल डिसीजन हमने कैसे लेना है, नंबर वन, ये इम्पोर्टेंट है, अगेन ये मैं कहूँ बता दूँ आपको कि ये इम्पोर्टेंट है। गैदर द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स। सो नंबर वन इज गैदर द रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स को गैदर करें, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करें उसके लिहाज से। अच्छा मेरे पास अजान हो रही है, तो हम जरा खामोशी इख्तियार करते हैं, थोड़ा सा वेट करें।
जी सब वापस आते हैं जी, अजान हो रही थी इसलिए मैंने आवाज़ बंद की थी। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं जी। तो वापस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, एक एथिकल डिसीजन हमने कैसे करना है। सो एथिकल डिसीजन कैसे करना है, नंबर वन जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में रेलेवेंट डाटा गैदर करें, ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में डाटा गैदर करें। नंबर टू, आइडेंटिफाई द एथिकल प्रॉब्लम, इन्वॉल्व अदर्स इन द प्रोसेस एंड कंसल्टेशन रिसोर्सेज एज अप्रोप्रिएट, लोगों से मशवरा करें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, उससे जो रेलेवेंट लोग हैं उनसे मशवरा किया जाए। एनालाइज द प्रॉब्लम यूजिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसोर्सेज, फिर उस प्रॉब्लम को सामने रखा जाए और देखा जाए कि वो किसी एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट तो नहीं कर रही है। आइडेंटिफाई एक्शंस अल्टरनेटिव्स इन लाइट ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स, चूज एंड जस्टिफाई द चॉइस। सो काफ़ी सारे आपके सामने जो है ना उसके फाइनल डिसीजंस आ जाएंगे, आपने चूज कर लेना है, और लेकिन आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने ये वाला डिसीजन क्यों चूज किया। अवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट, जब उसको इम्प्लीमेंट कर दें उसके बाद उसे एवेल्युएट करें, देखें वो जो आपने डिसीजन लिया था क्या ठीक रहा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। अगर वो ठीक रहा है तो आप नेक्स्ट सिचुएशंस के अंदर भी उस तरह का डिसीजन लेंगे, और अगर ये ठीक नहीं रहा है तो नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली आपने नया डिसीजन जो है वो लेना होगा। सो नर्स नर्स इज इन्वॉल्वमेंट इन द एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि नर्स अपने आप को कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकती है। सो नंबर वन इज एडवोकेसी, ओपन कम्युनिकेशन ऑफ पेशेंट विशेज एंड एथिकल कंसर्न्स टू कोलेबोरेशन विद द हेल्थ केयर टीम। सो हम जो हैं वो पेशेंट के एडवोकेट होते हैं, तो पेशेंट के बिहाफ पे हम एडवोकेसी कर सकते हैं दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। एडवोकेसी का क्या मतलब होता है, एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत करना। कोई एडवोकेसी की एग्जाम्पल देगा मुझे आप लोगों में से? जी एडवोकेसी की एग्जाम्पल जल्दी से। जी एडवोकेसी की एग्जाम्पल दें आप लोग उतनी देर में, यहाँ पे अटेंडेंस आपकी जरा मार्क कर लूँ स्क्रीनशॉट लेके। हाँ जी, सो एडवोकेसी क्या होती है, कोई एग्जांपल दें एडवोकेसी की। अटेंडेंस मैंने आपकी लगा ली है जी, एडवोकेसी की एग्जांपल। जी एडवोकेसी की एग्जाम्पल। हाँ जी, यहाँ पर किसने दी है, अदीला सफदर कहती हैं, इंश्योर दैट द पेशेंट सेफ्टी इज बीइंग ट्रीटेड फैसिलिटी व्हेन दे आर डिस्चार्जिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड केस मैनेजमेंट सोशल वर्कर अबाउट द पेशेंट नीड्स। अच्छा जी, एडवोकेसी की एग्जांपल ये है कि डॉक्टर ने ना पेशेंट को बड़ी कोई महंगी वाली दवाई लिख दी है, हाँ, लेकिन हमें पता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम डॉक्टर को बताते हैं जाके कि जी पेशेंट बहुत गरीब है, आप इसको इसी ब्रांड इसी
सॉल्ट की या इसी जेनेरिक नेम की कोई सस्ती दवाई लिख के दे दें। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवोकेसी, पेशेंट के बिहाफ पे उसके लिए बोलना जाके इज एडवोकेसी। तो ये एडवोकेसी की एग्जाम्पल थी। आई होप आपको एडवोकेसी का मतलब समझ आ गया होगा आपको। जी समझ आ गया एडवोकेसी का। चलिए जी हम नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी डिलीमा कैन रिजल्ट इन मॉरल डिस्ट्रेस। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? डिलीमा कैन रिजल्ट इन मॉरल डिस्ट्रेस। जी कोई बताएगा क्या मतलब हो सकता है इसका? डिलीमा कैन रिजल्ट इन मॉरल डिस्ट्रेस। जी डिलेमा कैन रिजल्ट इन मॉरल डिस्ट्रेस का क्या मतलब है? चले मैं ही बता देता हूँ आपको। डिलेमा कैन रिजल्ट इन मॉरल डिस्ट्रेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप से कहा गया कि आप जाके उस फलाने पेशेंट की जो वेंटिलेटर है उसको रिमूव कर दें क्योंकि वो पेशेंट जो है ना वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपके आपके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, वो ये कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक मॉरल डिस्ट्रेस में जाएंगे, आपको बुरा लगेगा कि मैंने एक फलाने बंदे को मार दिया है। तो यहाँ पर आपको अपने मेडिकल एथिक्स से हेल्प लेनी है और अपने आप को डिफेंड करना है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको ये काम के लिए इनकार कर देना है ताकि ये काम जो है वो कोई और कर ले, अदरवाइज ऐसे ही आप गिल्टी फील करते रहेंगे। तो इसे कहते हैं मॉरल डिस्ट्रेस। सो जब डिलीमा होता है तो फिर बंदा मॉरल डिस्ट्रेस में जाता है। फॉर्मल मैकेनिज्म्स, बायोएथिकल कमेटी के मेंबर बन सकते हैं आप। अगर आप बायोएथिक्स में बहुत स्ट्रांग हैं तो वो आप भी एज अ नर्स जो हैं वो बायोएथिकल कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, एथिक्स कंसल्टेशंस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जी रिपीट ये है कि अगर आपको कोई डिलीमा आ जाता है, आपको दो बुराइयों में से चूज करना पड़ जाता है या फिर एक ही बुराई के बारे में आपको चूज करना पड़ जाता है, तो आप एथिकल प्रिंसिपल से हेल्प लेते हैं। अगर एथिकल प्रिंसिपल्स आप एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप उस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं तो फिर आपको मॉरल डिस्ट्रेस नहीं होगी, लेकिन अगर आप एथिकली उस चीज़ को नहीं डिफेंड कर सकते तो फिर बंदा गिल्टी फील करता है चीज़ों को लेके। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल केयर नर्सेज, नंबर वन इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी मेंबरशिप। तो आप अगर क्रिटिकल केयर नर्स हैं, बायोएथिक्स पे कमाल है, तो आप भी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। एथिक्स फोरम्स एंड राउंड्स, आप भी एथिक्स फोरम्स पे बोल सकते हैं, एथिकल राउंड्स कंडक्ट कर सकते हैं। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू क्या होता है? ये जो डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट जर्नल्स के अंदर छपते हैं, इनका पीयर रिव्यू किया जाता है, इनको देखा जाता है कि ये एथिकली ठीक है, इसको पब्लिश हो जाना चाहिए जर्नल के अंदर। तो आप भी एथिकल बोर्ड जो हैं डिफरेंट जर्नल्स के, उनके मेंबर बन सकते हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी मेंबरशिप, वो कमेटीज जो कि कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे काम करती हैं, इस चीज़ पे काम करती हैं कि हॉस्पिटल को वक्तन वक्तन ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, आप उसके मेंबर बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं रिसर्च के बारे में, आप उसके मेंबर बन सकते हैं, जो कि डिफरेंट रिसर्चेस को परमिशन देते हैं कि क्या इस रिसर्च को कंडक्ट किया जाना चाहिए या इस रिसर्च को कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा जी, तो व्हाट आर द एथिकल डिलेमास इन नर्सिंग केयर? तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, बेसिकली वही सारे हमारे लिए एथिकल डिलेमा बन जाते हैं। सो नंबर वन इज विद होल्डिंग एंड विद ड्राइंग ऑफ ट्रीटमेंट। बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है हमारी विद होल्डिंग एंड विद ड्राइंग में, कि
पेशेंट के ट्रीटमेंट को उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए। पेशेंट को ट्रीटमेंट उतार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं उतारते उसका और कंटिन्यू रखते हैं तो फैमिली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है और हमें पता भी है कि पेशेंट ने बचना नहीं है। तो इस सूरत के अंदर हमें फिर क्या चूज़ करना है, क्योंकि दोनों ही एक आप कह सकते हैं कि इक्वल बैड में से हमें एक चीज़ चूज़ करनी पड़ रही है। पेशेंट और सैरोगेट डिसीजन इज बेस्ट इंटरेस्ट, नर्स कैन रिफ्यूज ऑन मॉरल ग्राउंड। सो अगर आपको भी विड्रॉ करने का कहता है ट्रीटमेंट और आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकती, किसी और से करवा लिया जाए। सो लिमिट टू ट्रीटमेंट एंड मेडिकल फ्यूटिलिटी। सो मेडिकल फ्यूटिलिटी भी हमने डिस्कस की है, वो पॉइंट जहाँ पे किसी पेशेंट के लिए कोई ट्रीटमेंट फायदेमंद नहीं रहता, जैसा कि किसी की ब्रेन डेथ हो गई है वो वाला पेशेंट। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स डिसीजंस, एलोकेशन ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, के दो एक बूढ़ा और एक जवान बंदा है, किसको ऑर्गन देना है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। एलोकेशन ऑफ द बेड्स, एक वेंटिलेटर वाला बेड है वो किसको अलॉट किया जाए, ये भी एथिकल डिलेमास में आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी बहुत ही एक मुश्किल सा सवाल। ये जो मैंने आज आपको एक जितना कुछ पढ़ाया ना, इसमें से आज एक पेपर हुआ है BSN फाइनल ईयर का, और उनको इसमें से दो सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो उनका भी क्रिटिकल केयर का सब्जेक्ट है, मैं उनका पेपर आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगा। अभी कुछ पिक्चर आती है मेरे पास तो। सो फाइव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड नर्स, एक रजिस्टर्ड नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात ये है कि यार मैं समझ सकता हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा, ये थोड़ा सा बोरिंग है। सो परेशान नहीं होना, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर से इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बियर करना है ज़रा ये बोरिंग से चैप्टर को। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ ताकि आप ज़्यादा बोर नहीं हो। अच्छा, सो फाइव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद फिर हम अभी नमाज ब्रेक के लिए जाते हैं। तो फाइव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड नर्स, द रजिस्टर्ड नर्सेस लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग नॉट दोज फंक्शंस फॉर विच ही और शी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। हमें सिर्फ वही काम करने हैं, हमें सिर्फ वही काम करने हैं जिसके लिए हमें ट्रेन किया गया है। हमें केयर प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन किया गया है, हमें केयर प्रोवाइड करनी है। हमने डायग्नोज मेडिकल डायग्नोज करना या फिर मेडिकेशन सॉरी प्रेस्क्राइब करने की तरफ नहीं जाना है। परफॉर्मिंग दोज फंक्शंस कंपिटेंटली, तो जहां तक हो सके अपनी सारी कंपिटेंसीज को यूज करके वो फंक्शन परफॉर्म करने हैं। उसके बाद डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू द पर्सनल्स हुज कंपिटेंस हैज बीन एवेल्युएटेड एंड फाउंड एक्सेप्टेबल। डेलीगेशन क्या होता है, किसी को आइडिया डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेट करने का क्या मतलब है? जी डेलीगेट करने का क्या मतलब होता है जी? जी क्लास, व्हाट इज डेलीगेशन? अच्छा, ये वो वाला डेलीगेशन फरीजे वाला नहीं है, अपना काम किसी और बंदे को असाइन करना। फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक यूनिट के ऊपर और मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मैंने देखा कि यूनिट बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं वाइटल साइन करने के लिए एक नर्स एड या नर्सिंग असिस्टेंट जो है उसको लगा देता हूँ, किसी LHV को लगा देता हूँ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेलीगेशन। तो लीगली हमें क्या करना है, हमें अपना काम उन्हीं लोगों को डेलीगेट करना है, उन्हीं लोगों को अपना काम देना है जिस पे हमें यकीन होगा कि ये हमारा काम करने के अहल हैं और ये हमारा काम कर लेंगे। तो हमें किसी भी LHV को कभी ये नहीं कहना कि यार तुम मेडिसिन लगाओ। हाँ, वाइटल साइन करने के लिए उसे कह सकते हैं क्योंकि वो उसमें कंपिटेंट है। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स एज इंडिकेटेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट की हालत को देख के उसके मुताबिक अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना, अप्रोप्रिएट एक्शंस करना। बीइंग फेमिलियर विद द एम्प्लॉय एजेंसीज पॉलिसीज, तो आपकी जो हॉस्पिटल है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ शौकत खानम में करता है, कुछ आलमार में करता है, तो जो उसकी एम्प्लॉय एजेंसीज की प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को क्या करना, उन प्रोटोकॉल्स के साथ फेमिलर होना और उनको फॉलो करना। चलें यहाँ तक हम इससे आगे चलेंगे, लेकिन इससे आगे चलने से पहले हम एक नमाज ब्रेक लेते हैं छोटी सी।
5:25 में हम लोग वापस मिलते हैं जी, 10 मिनट की नमाज ब्रेक है, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, आप लोग भी नमाज पढ़ लें, फिर मुलाकात होती है जी, ठीक है। बना दो तो नमाज ब्रेक करते हैं, नमाज ब्रेक के बाद हम अपने लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
हाँ जी, वेलकम ब्रोक। बाकी लोगों को भी वापस बुलाएं और फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी अब हम कॉमन लीगल इश्यूज इन क्रिटिकल केयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बाकी लोगों को प्लीज़ बुला लें और थोड़ा सा हम फिर हम ये डिस्कस करते हैं, जल्दी से बुला लें उन्हें। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, क्लास आवाज आ रही है आपको? हाँ चलें, ठीक है जी। सो कॉमन लीगल एथिकल इश्यूज इन क्रिटिकल केयर की तरफ आते हैं, और आप में से अगर किसी ने पोस्ट बेसिक एग्जाम देने हैं तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट बेसिक की डेट शीट जो है वो आ चुकी है और एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं जनाब 18 अगस्त से, 18/8/2020, तो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, चलें हम आगे चलते हैं कॉमन लीगल इश्यूज इन क्रिटिकल केयर की तरफ। तो कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं हमारे, जिनके लिए फिर हमें लीगली अकाउंटेबल ठहराया जाता है। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो नेगलिजेंस है, और आपने ये बड़ा अपने क्लिनिकल एरिया के अंदर भी और जब आप पढ़ रहे होंगे पहले तो उस वक्त भी सुना होगा नेगलिजेंस के बारे में, कि नेगलिजेंस नहीं करनी चाहिए। सो एनीबॉडी जो कि मुझे बता सके कि नेगलिजेंस क्या होता है? जी, सो व्हाट इज नेग्लिजेंस, क्या होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है और एग्जांपल भी साथ में देनी है, फिर अगर मुझे लगेगा कि आपको समझ आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग खुद एक्सप्लोर करके इसकी एग्जांपल भी देनी है साथ में नेग्लिजेंस की आपने। जी, नेग्लिजेंस को ज़रा डिफाइन करें और साथ में एग्जांपल दें।
ठीक है जी, आरफा ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसके बाद सिद्रा ने एक्सप्लेन किया, सुंदर शमून ने भी किया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। सही है, आप लोगों ने सही बताया। एक टर्म होती है मेल प्रैक्टिस। क्या टर्म होती है? मेल प्रैक्टिस मतलब काम ठीक से ना कर पाना, राइट। उसकी आगे फर्दर जो है उसमें नेग्लिजेंस आ जाती है, नेग्लिजेंस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि आपको एक काम दिया गया था आपने ठीक से नहीं किया। इन अ माल प्रैक्टिस सू, ये जो सूट लिखा हुआ है बेसिकली दिस इज सू, वो कहते नहीं है आप कोर्ट में कर दूंगा, तो दिस इज सू। सो माल प्रैक्टिस सू, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट खुदा ना खास्ता माल प्रैक्टिस का सू कर दिया, इस बंदे को मेरी ये चीज़ ख्याल रखने का कहा गया और उस इस बंदे ने मेरा ख्याल नहीं रखा, ठीक है, और इसने ठीक से काम नहीं किया, तो इसको माल प्रैक्टिस सू कहते हैं। द प्लेंटिफ प्लेंटिफ हैज टू शो दैट सम टाइप ऑफ इंजरी और हकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नर्सेज एक्शन और इनएक्शन। प्लेंटिफ होता की है, तो अगर किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है तो उसको साबित ये करना है कि जो नुकसान हुआ है बंदे को, वो या तो मैंने कुछ चीज करनी चाहिए थी मुझे वो मैंने नहीं की, या फिर कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने कर दी है, उसकी वजह से मेरे पेशेंट को नुकसान हो गया है, तो फिर वो आपके अगेंस्ट माल प्रैक्टिस का केस कर सकता है। माल प्रैक्टिस लॉ रिक्वायर्स दैट देयर बी कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्ट ऑफ अ नर्स एंड द इंजरी टू द पेशेंट। तो इंजरी और पेशेंट की इंजरी और आपके एक्शन के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप मिलना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, कि जो पेशेंट को नुकसान हुआ है वो आपके किसी एक्शन या इन एक्शन की वजह से हुआ है, तो उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। मतलब आप जो काम अपने 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 नॉलेज की बेस पे, अपने आप कह सकते हैं कि ट्रू हवास के अंदर जो ठीक से कर सकते थे वो काम आपने ठीक से नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं जी मैल प्रैक्टिस, राइट, नेग्लिजेंस कहते हैं। आगे हैं जी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आ जाती हैं। नंबर वन इज विकेरियस लाइबिलिटी। इसको जरा एक दफा इस स्लाइड को पढ़ें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है, ठीक है।
हाँ जी, सो ये वाली स्लाइड पढ़ें और मुझे जरा बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। जी, अच्छा, किसी का वैसे अभी तक जवाब नहीं आया है, जल्दी से बताएं नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जीरसा गजल ने शेयर किया, सुमैया शाहिद ने शेयर किया। सो क्या कहते हैं ये, मैं आपको बता दें, इफ समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट, इफ समवन पर्सन लाइक क्रिटिकल। ठीक है, ठीक है जी सुमैया, ठीक है जी फरहत। अच्छा जी, जब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ तो थोड़ा सा ये है कि विकेरियस लाइबिलिटी इज सम केसेस अ पर्सन और फैसिलिटी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर कंडक्ट ऑफ अनदर। सो विकेरियस लाइबिलिटी में ये होता है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के लिए दूसरे पर्सन के काम के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है। इसकी आगे टाइप्स हैं, बाकी मैं थोड़ा सा आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कैसे किसी को किसी के काम के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है। जैसा कि कोई नोवाइस नर्स आया आपके पास, आपने उसे उठा के आईसीयू में डाल दिया, आप मैनेजर हैं, तो वो उस नर्स के ऊपर बात नहीं आएगी, वो आपके ऊपर आएगी। अगर उसने कोई गलती की तो उसका जो सजा है वो डेफिनेटली एक मैनेजर को भुगतनी पड़ेगी। ठीक जी, सो आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं विकेरियस लाइबिलिटी की। तो सबसे पहले टाइप है रिस्पोंडिएट सुपीरियर, लेट द मास्टर आंसर द सिन फॉर ऑफ द सर्वेंट इज द मेजर लीगल थ्योरी अंडर विच हॉस्पिटल्स आर हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर एम्प्लॉय। कि अगर हॉस्पिटल के किसी एम्प्लॉय ने अगर की है तो हॉस्पिटल को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। इसको रिस्पोंडिएट सुपीरियर कहा जाता है। ठीक है जी, सो लेट द मास्टर आंसर फॉर द सिंस ऑफ सर्वेंट, कि हॉस्पिटल को उसकी प्रॉपर सुपरविजन करनी थी, उसको सिखाना चाहिए था और कोई कंपिटेंट बंदा हायर करना चाहिए था। इस चीज को हम रिस्पोंडिएट सुपीरियर कहते हैं। ठीक है, कि सुपीरियर जो है वो अपने सर्वेंट का आंसरेबल होगा। अब है जी कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, इसको जरा आप एक दफा रीडिंग दें और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब आप यहाँ पे फिर कमेंट्स में शेयर करें कि आपको इससे क्या समझ आई है।
अच्छा जी, नेक्स्ट इज कॉमन कॉर्पोरेट लायबिलिटीज अबाउट अकर्स व्हेन अ हॉस्पिटल इज फाउंड लायबल फॉर इट्स ओन अनरीजनेबल कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज फाउंड दैट द यूनिट इज क्रॉनिकली अंडर स्टाफ एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इंजरी. अच्छा जी, वो हमने जो पहले पढ़ा था, जो हमने पहले पढ़ा था क्या भला, रिस्पोंडिएट सुपीरियर. रिस्पोंडिएट सुपीरियर का मतलब था कि हॉस्पिटल अपने सर्वेंट के सिंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कॉर्पोरेट लाइबिलिटी में उस सूरत में, कॉर्पोरेट लाइबिलिटी में उस सूरत में होता है जब हॉस्पिटल ने खुद कोई गलत काम किया होता है, कि देर आर क्या नाम है, हॉस्पिटल ने जो है अपने स्टाफ को इतना पूरा स्टाफ नहीं रखा किसी वार्ड के अंदर, जिसकी वजह से स्टाफ ने मिस्टेक दी, तो उस सूरत में भी हॉस्पिटल को लायबल ठहराया जाएगा. अच्छा भाई, आज के लिए इतना ही. अगर कुछ सवाल है तो मुझे प्लीज बताएं यहाँ तक के लिए. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना कंटिन्यू करेंगे. नेग्लिजेंट सुपरविजन पढ़ेंगे और एक दो और चीजें हैं वो पढ़ेंगे और इसको फिर खत्म कर देंगे. आई होप आप लोगों के पास जो है क्या नाम है असाइनमेंट्स वाला टैब आ गया होगा. स्टैम्प के ऊपर अपनी असाइनमेंट लाजमी अपलोड कर दीजिएगा. तो आज के लिए इतना ही. यहाँ पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं जी. सो अल्लाह हाफिज़.